औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को भी आज ये अमलियात चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर वाफियत से होंगे, और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दुनिया की तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से महफूज फरमाए, आमीन। जी तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल छोटा सा अमल पेश खिदमत है। अमल के तरीका का तो जहाँ से पहले आप दोस्तों से मोहब्बत भरी इल्तमास है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल मियाँ जी अमियात को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे रेड कलर बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो जल्द से जल्द और बआसानी मिल सकें। शुक्रिया दोस्तों, चलते हैं अमल के तरीका का तरफ। जी दोस्तों, रूहानी कुवत के मकसद के लिए रोज़ाना नमाज इशा के बाद बावजू हालत में पकीज़ा कपड़े पहनकर साफ़ सुथरे बिस्तर पर आराम से लेट जाएं और अपनी ज़ुबान तालू से लगाकर, अपनी ज़ुबान ऊपर की तरफ लगाकर बग़ैर हरकत दिए कलब से 7 मरतबा, यानी कि दिल से, ज़ुबान ना हिले, दिल से 7 मरतबा सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है और इसी हालत में सो जाना है। अमल के दौरान किसी से कलाम, किसी से कोई इशाराबाजी, किसी से कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल आसानी से ये आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है और पढ़ के सो जाना है। इस अमल की मदावत रखे, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही इस पर इसरार मुनकशिफ होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस अमल के दौरान सूरह कौसर पढ़ते हुए नींद का गलबा हो जाए और नींद आ जाए जबकि 7 मरतबा सूरह कौसर भी ना पढ़ी गई हो, तो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, इससे अमल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा आसान सा, बिल्कुल छोटा सा और बहुत पावरफुल अमल है। ये आप करें, इसमें दिनों की कोई मियाद नहीं है, लगातार करते रहें, रूहानी कुवत बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। कम अज़ कम 20-21 दिन तो करें ना, अब बाकी आगे इंशाल्लाह जो जो आप करेंगे आपको लुत्फ़ आएगा और आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर बंदा कामयाब हो, हर बंदे को कामयाबी मिले। जो जो भाई बहनें मेहनत कर रहे हैं अमलियात में और जो जो अपनी मोहब्बत हमारे चैनल पर दिखाते हैं, बहुत प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उनके लिए खसूसी दुआ, दिल से दिन रात दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक की ज़ात सबको खुश और सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह की ज़ात आप सब की तमाम परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, जो जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, अल्लाह की ज़ात वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आसानियों में बदल दे और आपको कामयाबियाँ दे, वसी रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इसकी इजाज़त आम है, जो भी करना चाहे। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। जब भी कोई और बंदा अमल करेगा, अगर वो कामयाब होता है तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए अमल के साथ, नए वजीफा के साथ। तब तक लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।